स्वागत है दोस्तों आपका शेयर मार्केट का ज्ञान YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग ऐड करने वाले हैं न्यू बैंक अकाउंट ग्रो के ऐप में। यहाँ पर आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें ताकि आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल सके। साथ में इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला। तो यहाँ पर जैसे देखिए ये बैंक डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर आपको आना है। यहाँ पर आने के बाद आप देखिए नीचे में ऐड अनदर बैंक का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे देखिए अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर है तो आप सिम वन या फिर सिम टू सिलेक्ट करके आप टिक मार्क करके यहाँ पर सेंड एसएमएस के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट से लिंक्ड मोबाइल नंबर इस मोबाइल में नहीं है तो आप ऐड बैंक अकाउंट मैनुअली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे सर्च करिए अपना बैंक, फिर आईएफएससी कोड अपना दे दीजिए, फिर यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर इनपुट कर दीजिए। फिर अकाउंट नंबर इनपुट करने के बाद आप वेरीफाई बैंक पे क्लिक करिए। आपका अकाउंट वेरीफाई किया जा रहा है 1 रुपया सेंड करके। जैसे ही 1 रुपया सेंड हो जाएगा वैसे ही ये पेज आगे बढ़ जाएगा। तो जैसे देखिए यहाँ पर बैंक वेरीफाइड हो चुका है तो अब यहाँ पर जो दूसरा आपका बैंक अकाउंट है वो यहाँ पर शो होने लग गया है। अब आप इस बैंक को यूज करके भी अपने अकाउंट में बैलेंसेस को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे देखिए अब जो नया बैंक अकाउंट हो गया आप इस अकाउंट को अपने इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। चाहे आप SIP कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट करिए, फंड्स ऐड करिए, फंड्स विड्रॉ करिए, आप ये सारा काम अब दूसरे बैंक अकाउंट से कर पाएंगे। यहाँ पर जैसे देखिए मेरा जो प्रीवियस बैंक था उसमें SIP ऑप्शन अवेलेबल नहीं था ऑनलाइन के लिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपना PNB बैंक अकाउंट ऐड किया है ग्रो के अकाउंट में ताकि मैं SIP वगैरह कर पाऊँ। तो इसी तरीके से आप अपने नए बैंक अकाउंट को या फिर कोई दूसरे बैंक अकाउंट को अपने ग्रो अकाउंट से जोड़ सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।